ओम साई राम। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा सया म्यूजिकल ग्रुप की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। जी हाँ, नानावली। नानावली शिरडी में रहते थे और शिरडी में रहते हुए द्वारका माई मस्जिद में सभी जो भी कार्य बाबा के होते थे उन सब में वो मदद करते थे। जी हाँ, नानावली। लेकिन थे वो बहुत ही विचित्र, बहुत विचित्र और बहुत ही अनोखे थे। किसी को डरा देते शिरडी में, किसी को हंसा देते, अनोखे ही कार्य करते थे वो। लेकिन बाबा से प्रेम करते थे, बाबा के भक्त थे और जहाँ तक हो सकता था बाबा के कार्यों में बाबा की मदद करते थे। जो भी कार्य बाबा देते बहुत ही प्रेम पूर्वक सम्मान के साथ उस कार्य को करते थे। एक बार क्या होता है कि वो बाबा जी का दरबार लगा है, बाबा जी अपने प्रवचन दे रहे हैं, भक्तों के बीच में गुणगान चल रहा है, सब हो रहा है, कोई भजन गा रहे हैं, कोई बाबा जी के वचन सुन रहे हैं, इस तरह एक पूरा माहौल दरबार जो है बाबा का लगा हुआ है। तभी नानावली आते हैं और अपनी हरकतें करते 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 सीधा बाबा जी के सामने ऐसे देखने लगते हैं। बाबा भी देख रहे हैं ये कुछ कहे, वो भी देख रहा है, सॉरी वो भी देख रहे हैं नानावली कि बाबा कुछ कहे। अब नानावली एकदम इशारे से आप हटो, मुझे बैठना है, आप हटो मुझे बैठना है। बाबा मुस्कुराने लगे, भक्तों को बुरा लगा कि बाबा को ऐसे बोल रहे हैं ये, परंतु बाबा को बुरा नहीं लगा क्योंकि बाबा जानते थे कि कैसी भी हरकत करे, कुछ भी करें, पर ये मेरा प्यारा भक्त है और मुझे बहुत मानता है। जी हाँ, अपने प्रेम के वशीभूत। देखिए, नानावली बाबा को बहुत ही क्रोध से हटाते हैं कि आप हटो मुझे बैठना है, आपकी गद्दी पे मुझे बैठना है, आप हटो। वो हट गए। बाबा ने कहा तुम्हें बैठना है बैठो। दो मिनट एक मिनट बैठे और बैठ के उन्हें बहुत अच्छा लगा, ऐसे ऐसे करते हैं तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जगह। और थोड़ी देर में जैसे उनके अंदर का जो गुस्सा था वो सब जैसे शांत हो गया। उसने देखा बाबा सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। भक्तगण बहुत ही विचित्र निगाहों से नानावली को देख रहे हैं कि नानावली ने क्या हरकत की, क्रोध में जैसे नानावली को देख रहे हैं। नानावली ने चारों तरफ का माहौल देखा और गद्दी से धीरे से उतर लिए। उतर के बाबा को कहा बाबा आप बैठो, ये आपकी गद्दी है, मैं क्यों बैठूंगा, आप बैठेंगे। बाबा फिर मुस्कुराए और गद्दी पे बैठ गए। अब बाबा गद्दी पे बैठ गए और नानावली उन्हें प्रेम से देख रहे हैं और उनके चरणों में जाके ऐसे लिपट गए। बोले बाबा, बाबा मुझे क्षमा कर दो, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, अभी भी पता नहीं क्या हो गया, पर अब मैं ठीक हूँ। जब मैं आपकी गद्दी पे बैठा ना तब मैं एकदम स्वस्थ हो गया। मुझे कुछ हुआ था बाबा? बाबा ने कहा कुछ नहीं हुआ तुम्हें, तुम एकदम स्वस्थ हो, तो मुझे आशीर्वाद दो फिर। आप मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे? बाबा ने बहुत ही प्रेम से ऐसे सर पे हाथ फेरा और कहा खुश रहो। नानावली नाचने लगे कि बाबा ने मुझे कहा है खुश रहो। वो अपने स्टाइल से नाचे कूदे और
मस्ती करे और कहे गाओ गाओ गाओ, भजन क्यों नहीं गा रहे, अभी भी तो गा रहे थे ना तुम सब, तो अब क्या हुआ, गाओ, बाबा तो गद्दी पे बैठे हैं, अरे गाओ गाओ। ऐसे थे हमारे नाना वली, और नाना वली के साथ में ऐसा ही प्रेम था हमारे साईं बाबा का। जी हाँ, साईं बाबा की प्रत्येक, साईं बाबा के प्रत्येक कार्यों में विशेष ध्यान देते थे नाना वली। नाना वली उसके बाद बहुत ही प्रसन्न हुए, बाबा से क्षमा मांगी, भक्तों के बीच नाचने और कूदने लगे, क्योंकि वो पहले से ही शिरडी में बहुत ही विचित्र थे, अनोखे थे, पर बाबा के लिए बहुत प्यारे थे। मैं दर्शना शर्मा अगले प्रसंग में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, और साईनाथ महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबकी मनोकामना बाबा पूर्ण करें। ओम साईं राम।